सो हे गाइस, मेरा नाम है श्लोक एंड दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है चाइनीज प्लेयर्स के ट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइनीज प्लेयर्स के जो ट्रिक्स होते हैं उनको हम लोग कैसे सीख सकते हैं। वेल, सीखने की उतनी कुछ खास बात नहीं है, बट मेनली उनकी जितने भी ट्रिक्स होते हैं ना यार, वो बहुत ज़्यादा हम लोग को अमेज करते हैं। मेन रीज़न उनका ये होता है कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है ना, वो बहुत ही अलग तरीके का होता है। यार हम लोग सिर्फ कॉन्करर बनने में लगे रहते हैं, रैंक पुश में लगे रहते हैं, केरी मेंटेन करने में लगे रहते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने में लगे रहते हैं, बट वो लोग अपने आप को जज करने में ही लगे रहते हैं कि अपने आप को कैसा बेहतर प्लेयर बनाया जाए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आज उनका एक ये ट्रिक है जो कि मैं आपसे सिर्फ एक ट्रिक के बारे में बात नहीं करने वाला, आपसे बहुत ट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ आज। तो अभी आपको एक ट्रिक देखने वाला है जो कि ये था व्हीकल का, कि वो लोग एक साइड से बैठते फिर दूसरी जगह से शूट करते हैं। तो मैंने भी ये ज़्यादा ट्राई नहीं किया है, ये भी मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम ही ट्राई करने वाला हूँ। तो वो लोग करते ये है कि पहले ड्राइव जाते हैं फिर एग्जिट हो जाते हैं। सो वो लेफ्ट में बैठे और लेफ्ट से ही एग्जिट करते हैं, और बहुत बार क्या होता है कि गेट इन करते हैं और एग्जिट करते हैं तो फिर राइट से आते हैं। तो ये लोग बहुत ही अच्छा लोग ट्रिक यूज़ करते हैं बंदों को टीज करने के लिए, यानी कि एनिमीज़ को टीज करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे आप व्हीकल से उतर रहे हो, ठीक है, तो वो आप ऐसे यहाँ पर व्हीकल आके ऐसे करके रोके तो उसको लगेगा कि बंदा उतरेगा लेफ्ट से, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पर सीट चेंज करके एग्जिट दबा के आप राइट से ऐसे करके उसको शूट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग थिंग है जो उन्होंने दिखाया था, और उन्होंने दिखाया था कि बहुत ही अलग तरीके से। तो अगर आपको भी ट्रिक सीखना है तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बस आपको करना ये है कि आपको पहले समझना है कि आपको कहाँ उतरना है। तो अगर आप ड्राइविंग मोड में बैठते हो, ठीक है, तो अगर आप एग्जिट दबाओगे तो आप लेफ्ट में उतरोगे, एंड अगर आप गेट इन करते हो एग्जिट करते हो तो आप राइट में उतरोगे। गेट इन करो, एग्जिट करो राइट में, ड्राइव करो, एग्जिट करो लेफ्ट में। तो आप इसे अगर सीख के, मतलब कि आप डेली ऐसे करने लग जाओ ट्रेनिंग ग्राउंड में 10 मिनट भी अगर करोगे ना यार, तो आप लगभग फुल जैसे वो लोग करते ना, आप वैसे लोग कि ड्राइविंग में आओ एग्जिट किए लेफ्ट हो गए, फिर गेट इन में आए एग्जिट किए आप राइट में उतर के लोगों को शूट करे हो, फिर ड्राइव में आए फिर एग्जिट किए लेफ्ट में करके लोगों को शूट करे हो। तो वो लोग एकदम कन्फ्यूज रहेंगे कि बंदा लेफ्ट से आ रहा है कि राइट से आ रहा है, ऐसे करके उनका पूरा एम खराब कर दोगे, वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। ये खास करके अगर आप स्क्वाड में करोगे तो आप मर सकते हो, मतलब कि चांसेस कम है मरने के, बट अगर प्लेयर जो, क्योंकि जो मैं देखता हूँ चाइनीज प्लेयर जो खेलते हैं उनका एक भी गोली टच तक नहीं होता है, और चाइनीज प्लेयर्स बंदों को मार देते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो बंदे के साथ खेलते हैं वो नूब लॉबी होती है, अगर कोई प्रो प्लेयर होगा तो वो अचानक से, मतलब कि अगर वो दिमाग लगाए तो आराम से ख़त्म कर सकता है ऐसे ऐसे कहीं कर कर गए, ठीक है। तो ये नहीं कि ये लोग बहुत ही अच्छा प्लेयर्स होता है, वो लोग खाली अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स निकालता है, बोल सकते हो कि एंटरटेन आप लोगों को ज़्यादा करता है। क्योंकि अगर हम लोग एनिमी की पर्सपेक्टिव से रखें तो अगर मैं यहाँ पर मारा तो मैं ऐसे करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना, ऐसे देख लो। तो चाइनीज़ प्लेयर्स को ये मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा ओपी प्लेयर होता है, कभी कभार उनके अगर ट्रिक्स यूज़ करोगे तो कभी कभार आप मर भी सकते हो, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि चाइनीज़ प्लेयर्स हैं तो बहुत ही ओपी प्लेयर हैं और हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग बहुत ही स्मार्ट हैं, हम लोग बस ऐसे से करेंगे और बंदा ख़त्म हो जाएगा। अगर AKM का ले रहे होंगे या फिर M4 ले रहे होंगे तो ऐसे करेंगे तो बस ख़त्म बंदा, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, चाइनीज़ प्लेयर्स अच्छे ट्रिक्स यूज़ करते हैं, बट ये नहीं कि वो सारे ट्रिक्स जो होंगे वो काम करेंगे। दूसरा एक ट्रिक है जो चाइनीज़ प्लेयर्स यूज़ करते हैं, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं चाइनीज़ प्लेयर्स को कॉपी कर रहा हूँ, मैं ये ट्रिक उनसे पहले से कर रहा हूँ जब से मैं 5 फिंगर सीखा हूँ। तो अगर दोस्तों आपको 5 फिंगर ट्रिक्स के ऊपर, मतलब कि जानना है कि 5 फिंगर कैसे यूज़ करें या फिर 5 फिंगर कौन सा बेस्ट रहेगा यूज़ करने के लिए, जैसे कि जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ये कहीं से कॉपी नहीं किया, ये मेरा खुद का क्लॉ है, यानी कि मैं 5 फिंगर सेटअप जो मैं किया हूँ ये मैं खुद का है। तो अगर आपको इसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो, एंड चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज़ कर लो, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँ बेसिकली। सो दोस्तों एक ट्रिक जो है, अगर आप 5 फिंगर सीख जाते हो तभी कर सकते हो। तो अगर आपको एक साथ गोली भी चलाना है, घूमते भी रहना है, स्कोपिंग भी करना है और पीक भी करना है, साथ में क्राउच भी करना है, यानी कि 5 फिंगर एक साथ आपको यूज़ करना है, तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है जो चाइनीज़ प्लेयर्स यूज़ करते हैं। सो आपको बस करना ये है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं अपना M4 ले लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो अगर आपको एक शूट करना है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने शूट किया, तो अभी मैं क्राउच भी किया और ऐसे गोली भी चलाया और मैं खड़े भी हो गया, तो अभी तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। तो आप कभी कभी फंसोगे जब नया नया ट्राई करोगे, तो ऐसे आपको मैं समझाऊँ कैसे, पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, पहले समझ लो, ताकि मैं यहाँ पे स्टैमर करता हूँ कभी कभार बताने में ज़्यादा। तो समझो, ये है शूट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये है मेरा स्क्रोल बटन, ठीक है, जॉयस्टिक जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ये है क्राउच और ये है पीक और ये है स्कोपिंग। तो अगर आपको साथ में 5ों कंट्रोल्स को यूज़ करोगे तो आप सोचो क्या होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप जब गेमिंग करोगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको 5 कंट्रोल्स जो आपके होते हैं सेटअप, जो मेरा देख लो यहाँ पे, आपको मैं अपना जाके दिखा देता हूँ कंट्रोल्स में,
अगर आपको उसके ऊपर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, यानी कि आपको अगर मैं एक्सप्लेन कर लूँ कि ये मैंने कैसे किया, फिर मैंने क्या सोच के किया है, तो आप ये मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये मेरा एक कंट्रोल्स है, आप इसे चाहो तो कॉपी कर सकते हो देख के। यहाँ पे ये है क्राउच और यहाँ पे लेफ्ट राइट पीक है, ठीक है। बाकी सबका मैंने 100% किया ही हुआ है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। और ये वाला मतलब कि जो राइट मेरा जो होगा गन, वो मैंने यहाँ पे साइड में कर दिया है। यहाँ पे ये सब है और ये फायर बटन एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा सेटिंग है, ठीक है। अब अगर आप मेरा सेटिंग अप्लाई करते हो तो एक सेकंड में आप खड़े होके मार भी सकते हो, मतलब कि देखो शूट किए और खड़े भी हो गए, शूट किए खड़े भी हो गए। और यहाँ पे मैं क्राउच भी कर रहा हूँ, ये क्राउच भी मैं कर रहा हूँ साथ में, तो इससे आपका बहुत ही ओपी हो जाएगा गेम प्ले और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये चाइनीज़ प्लेयर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर आप देखोगे जब फाइट करते समय, और इसमें मैं क्राउच वाउच सब कर रहा हूँ एक साथ, और ये सिर्फ मैं फाइव फिंगर में ही कर रहा हूँ। तो इससे अब एक बहुत ही अलग तरह से आपका एम हल्का हल्का ख़राब होगा, बट आपको अपना एम को मेंटेन करना सीखना होगा। तो अगर आपको अपना एम को मेंटेन करना है, जब आप ऐसे क्राउच करोगे, खड़े होगे, ऐसे ऐसे करोगे, जब भी आप करोगे, तो आपको जब मेंटेन करना है खुद को, तो आपको अपना डिवाइस को टिल्ट करते ही रहना होगा। मान लो कि अगर आप क्राउच किए हो तो आपका डिवाइस को अपना हल्का सा ऊपर करना है। फॉर एग्जांपल मान लो आपका एम बिगड़े ना, तो आपको अगर आप क्राउच कर रहे हो तो आपका एम नीचे होगा, जो आपका क्रॉस हेयर होगा वो नीचे हो जाएगा। देखो क्राउच किया तो एम नीचे हो गया ना, तो आपको इसको ऐसे करना है, वो डिवाइस को अपना टिल्ट करना है अप। और जब आप ऊपर शूट कर रहे हो तो आपको नीचे करोगे फिर ऊपर करना है, फिर ऊपर, ऐसे ऐसे करके आपको अपना मेंटेन करते रहना, डिवाइस को भी टिल्ट करते रहना, अदरवाइज आपका जो एम होगा वो फुल ख़राब हो जाएगा और आप फिर खेल नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसे तो ये बात भी नोटिस रखना, मैं इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भी खुद सीखे हुए अभी 4 ही दिन हुए हैं फाइव फिंगर। तो अगर आपको अपना मतलब कि मेंटेन करना है तो आपको अपना डिवाइस को भी टिल्ट करते रहना होगा। तो यार मैं स्टैमल करता हूँ, मुझे पता है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर बोलता तो मैं स्टैमल करना चालू कर देता हूँ। सो सॉरी फॉर दैट यार, बुरा मत मानना, बहुत लोग टीज़ करते हैं, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट यार, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो बस यार यही था आज का वीडियो, आशा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।